अगेन आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे आने के लिए। आप देख रहे हैं ES पॉइंट यूट्यूब चैनल को। आज की वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, जो कि हुमायूं कबीर का एक स्पीच है, वहाँ से ये लिया गया है। ठीक है, हुमायूं कबीर जो थे एक स्पीच दे रहे थे और उसी स्पीच को एक्सट्रैक्ट करके, उन्हीं स्पीच को काट करके एक चैप्टर बना दिया गया है और टाइटल दिया गया है द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर। तो चलिए बिना बकवास किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, नाम से ही पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा आपको। देखिए, यूनिटी एकता अखंडता एंड इंडियन कल्चर। तो इन्होंने जब हुमायूं कबीर ने अपना स्पीच दिया तो इंडियन कल्चर के बारे में एक्सप्लेन किया है, इंडियन संस्कृति क्या है, इंडियन का सभ्यता क्या है, सारी चीज़ें इन्होंने अपने लफ्ज़ों में अपने तरीके से जो सोचते हैं इंडिया के बारे में, इंडिया के संस्कृति के बारे में, वो इन्होंने अपने शब्दों में बताया है। तो ये दोनों याद रखिएगा कि इनके द्वारा लिखा गया है। ओके राइट, अब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, ये थे कौन। तो हुमायूं कबीर नाम से पता चल रहा होगा कि ये मुस्लिम है और ये इंडियन मुस्लिम थे। हुमायूं कबीर का जन्म 1906 में हुआ था और इनका डेथ 1969 में हुआ था। और ये हमारे इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट फेमस पोएट थे, नॉवेलिस्ट थे, एसेइस्ट थे एंड रिनोन्ड पॉलिटिकल थिंकर थे। जाने माने बहुत ही फेमस पॉलिटिकल थिंकर भी थे, तो बोल सकते हैं मल्टी टैलेंटेड थे। और इतना ही नहीं, अब आगे देखिए, ही वॉज द कैबिनेट मिनिस्टर फॉर साइंटिफिक रिसर्च एंड कल्चरल अफेयर्स ड्यूरिंग नेहरू प्राइम मिनिस्टरशिप। ये हमारे कैबिनेट मिनिस्टर भी रह चुके हैं, किसमें, फॉर साइंटिफिक रिसर्च एंड कल्चरल अफेयर्स ड्यूरिंग नेहरू, जब प्राइम मिनिस्टर थे उनका जब समय चल रहा था उनके अंडर में ये कैबिनेट मिनिस्टर भी रह चुके हैं। और इनको एन ऑक्सफोर्ड प्रोडक्ट भी कहा जाता है क्योंकि ये ऑक्सफोर्ड में पढ़े हुए हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो इंग्लैंड में है वहाँ के स्टूडेंट रह चुके हैं, इसलिए इनको ऑक्सफोर्ड प्रोडक्ट भी कहा जाता है। और इतना ही नहीं, यहाँ पर देखिए एक और ख़ास बात है जो इनको ख़ास बनाता है। हुमायूं कबीर जो थे इनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट चुना गया था। उस समय यूनिवर्सिटी में इलेक्शन हुआ करती थी, तो उस इलेक्शन में इनको चुना गया था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन का प्रेसिडेंट। आज के टाइम पे आपके भी कॉलेज में छात्र नेता होते होंगे, उसी एकदम वैसा ही समझ लो, उस तरीके के थे। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट बनना, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट बनना अपने आप में बहुत बड़ा बात है, एक इंडियन बना। ठीक है, और आगे देखिए, द कंट्रीब्यूशन ऑफ प्री इंडिपेंडेंस पीरियड पोलिटिकल लीडर्स राइटर्स हु फेल्ड ऑफ इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश इज इमेंस। सम ऑफ द लीडर्स राइटर्स मल्टी डायमेंशनल एंड मल्टी लिंगुअल पर्सनैलिटीज। देखिए, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, हमारा देश आज़ाद होने से पहले हमारे देश में बहुत ही महान इंग्लिश राइटर हुए हैं, उनमें से एक हैं आज के हुमायूं कबीर जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं उनके बारे में, ये तो हैं ही। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्राइम मिनिस्टर तो वो थे ही, साथ ही साथ वो बहुत कमाल के राइटर भी थे। एंड और भी एग्जांपल्स हैं, आप ले सकते हैं, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस भी एक अच्छे राइटर हैं, बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल हैं, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। तो ये जितने भी राइटर्स थे वो मल्टी डायमेंशनल थे, प्राइम मिनिस्टर भी थे, पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व थे, इधर राइटिंग में भी इन्वॉल्व थे, एस्से भी लिखते थे, नॉवल भी लिखते थे, छोटी छोटी कहानियाँ भी लिखते थे। तो मल्टी टैलेंटेड थे और मल्टी लिंगुअल भी थे, इनको बहुत ज़्यादा भाषाएँ भी आती थी, इंग्लिश हिंदी ढेर सारी भाषाएँ के ये लोग जानकार थे। तो उनमें से ही एक हैं हुमायूं कबीर, जिनके बारे में आज देखेंगे। Sometimes even it is difficult to draw an exact line of demarcation in their commitments। और इनका जो commitment है भारत के प्रति, इंडियन लिटरेचर के प्रति, ठीक है, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के प्रति, वो बहुत ही ज़्यादा है। इनके commitment को हम लोग line draw नहीं कर सकते हैं, judge नहीं कर सकते हैं, uncomparable है। अब आते हैं हुमायूं कबीर, द प्रेजेंट पीस, जैसा कि मैंने बोला ये जो हमारे एक टुकड़ा है, इनके स्पीच का, इनके लेक्चर का एक टुकड़ा है ये चैप्टर। ओके,
जो स्पीच दे रहे थे वो कहाँ पे दे रहे थे, तो बड़ौदा यूनिवर्सिटी है वहाँ पे इन्होंने ये स्पीच दिया था इंडियन कल्चर पे। इन्होंने अपने हेरिटेज इंडियन कल्चर, ग्लोरियस इंडियन कल्चर के बारे में बताया है कि हमारा इंडियन कल्चर कितना अच्छा था और कैसे कैसे हमारा इंडियन कल्चर बना, कैसे इंडिया नंबर वन बना कल्चर के मामले में, उसकी चर्चा इन्होंने की है। यहाँ पर कुछ आपको मीनिंग डिफिकल्ट लग सकते हैं, जैसे कि हेरिटेज मतलब होता है विरासत, कल्चर मतलब होता है संस्कृति। प्रिसाइसली रिफ्लेक्ट्स कबीर्स लव एंड फेथ इन द ग्रेटनेस ऑफ हिज मदरलैंड। वो अपने मातृभूमि से कितना ज़्यादा प्यार करते थे, अपने इंडिया से कितना ज़्यादा प्यार करते थे, इनकी वाणी में, इनके स्पीच में साफ झलक जाएगा। अब स्पीच हम लोग पढ़ने जाते हैं कि इन्होंने स्पीच दिया क्या था, क्योंकि ये समरी नहीं है, आप इसको समरी मत समझिएगा, ये पूरा कहानी में पढ़ाने जा रहा हूँ। ओके, द गोल्डन हेरिटेज ऑफ इंडिया, हमारा जो विरासत है गोल्डन हेरिटेज, वो कैसे बना उसके बारे में समझते हैं फिलहाल। टिल रिसेंटली आर्यंस वेयर रिगार्डेड एज द अर्लीस्ट इन्वेडर्स ऑफ द लैंड, इट वॉज थॉट दैट दे केम टू ए कंट्री विच वॉज अनसिविलाइज एंड बारबेरियन, बट मॉडर्न रिसर्च हैज प्रूव दैट there were invaders even before the Aryans poured into this land। कहने का मतलब, जब आप हिस्ट्री के स्टूडेंट से पूछेंगे तो इसके बारे में ज़्यादा डिटेल से बताएगा, फिलहाल आप लोग ध्यान दीजिए। हमारे इंडिया पे, हमारे पुराने ज़माना का जो इंडिया था, वहाँ पे कहा जाता है कि इंडिया पे सबसे पहले जो मनुष्य आया रहने के लिए वो आर्यंस थे। सबसे पहले आक्रमणकारी भारत पे कौन आया था? आर्यंस थे। इन्वेडर्स मतलब क्या होता है? आक्रमणकारी। तो आर्यंस को माना जाता था भारत का सबसे पहला इन्वेडर्स, लेकिन मॉडर्न रिसर्च के अनुसार ये सारी चीज़ें गलत हो गई और ऐसा पता चला कि नहीं, आर्यंस से भी पहले भारत पे लोग रहे थे, आर्यंस से भी पहले भारत पे लोग रहते थे और उनका घर वास था। जैसे कि आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन देखा होगा, मोहनजोदड़ो मूवी देखी और ऋतिक रोशन वाली, तो ये आर्यन से पहले वो लोग आए थे, तो ऐसा प्रूव हो गया कि आर्यन से भी पहले इंडिया में लोग आए थे। ठीक है, आगे देखते हैं। और आर्यन से जो पहले लोग आए थे, दे हैड इवोल्व्ड सिविलाइजेशन हायर देन दैट ऑफ द आर्यंस हु डिड सो कैम इन देयर बेक्स। तो यहाँ पर जो आर्यन से कई गुना ज़्यादा अच्छा सिविलाइजेशन, सभ्यता, रहन सहन आर्यन से जो पहले लोग आए थे उनका था। आर्यंस का भी सब कुछ ठीक था, ठीक है, आर्यंस भी ठीक थे। और आर्यंस का क्या मानना था ना, कि आर्यन उस जगह पे आए हैं जिस जगह पे कुछ नहीं है, भारत में कुछ था ही नहीं, आर्यंस ने ही इस भारत को बनाया है, बसाया है। लेकिन ऐसा नहीं है, वो जो पहले लोग आए थे, आप देखना मोहनजोदड़ो मूवी, वहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन था, लेकिन वो ख़त्म हो जाता है, फिर ऐसे 200-300 सालों तक कोई नहीं रहता भारत में, उसके बाद ये सब आर्यन लोग आते हैं, उसके बाद सारी चीज़ें होती है। और इतना ही नहीं, आर्यन लोग का मानना था कि भारत जो है पूरी तरीके से अनसिविलाइज्ड है, यहाँ पे कोई लोग नहीं रहते होंगे, बारबेरियन टाइप का था भारत, बंजर जमीन थी पूरी तरीके से, बारबेरियन का कह सकते हो कि जंगली इंसान। आर्यंस लोग का कहना था हम उस धरती पे आए हैं जहाँ पे लोग, जहाँ के लोग अनसिविलाइज्ड थे, असभ्य थे, जंगली टाइप के थे, बारबेरियन टाइप के थे, उनके अंदर कोई कल्चर वगैरह नहीं है, आर्यंस ने ही कल्चर लाया यहाँ। लेकिन ऐसा मॉडर्न रिसर्च के अनुसार बिल्कुल गलत माना जाता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन वगैरह आ चुका है, आर्यन से पहले आ चुका है। अब देखिए, आर्यन से पहले फिर कौन आए, एक सिलसिला चलते आ रहा है। इंडिया पे बहुत आक्रमण हुआ यार, इंडिया में लोग रहने का जो सिलसिला है ना, सबसे पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, यही कहानी है आज की। देखो, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले लोग के बाद आए थे प्री आर्यंस, प्री मतलब होता है पहले, तो आर्यंस के आने वाले पहले, इसके बाद आता है, थर्ड नंबर में आता है आर्यंस। ओके, तो देखिए, प्री आर्यंस जो था ये इंडिया पे क्या करा, आक्रमण करा और डिस्प्लेस कर दिया। किसको डिस्प्लेस कर दिया? पुराने लोग जो इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले थे, उसको हटा करके इंडिया पे इनका अब राज हो गया। अब बेचारे वो लोग गए, टाटा वाई वाई हो गए, तो प्री आर्यंस ने इनको डिस्प्लेस कर दिया, अर्लियर पुराने पीपल्स को, एंड अपना एक नया सिविलाइजेशन इंडिया में बसाया। ठीक है, और उसके बाद देखिए, अपनी एक नई सोच, नई सभ्यता, नया कल्चर इंडिया में स्थापित किया प्री आर्यंस ने,
and which has astonished the modern scholars by its extent and depth. Astonish मतलब होता है completely surprise कर देना, अचंभित कर देना. तो इनका जो नया सिविलाइजेशन प्री आर्यंस ने भारत में बसाया, नया कल्चर भारत में लाया, वो आज के जो मॉडर्न रिसर्चर हैं जो यही सब हिस्ट्री वगैरह पे रिसर्च करते हैं उनको कम्प्लीटली एस्टोनिश्ड कर देता है, अचंभित कर देता है इनका एक्सटेंट, इनका डेप्थ देख करके. ठीक है, तो आज के जो मॉडर्न स्कॉलर हैं जो हमारे समय में रह रहे हैं उनको ये सभी देख करके अचंभित कर देता है कि पुराने ज़माने में इतना असभ्य लोग, इतने अच्छे अच्छे लोग और इतना बढ़िया कल्चर वाले लोग रहते थे. ठीक है, द आर्यंस इन्वेजन रिपीटेड द प्रोसेस एंड लेड टू द फ्रेश इन्फ्यूजन ऑफ द ओल्ड विद द न्यू. दिस कंटिन्यूड विद द सक्सेसिव इनरोड्स ऑफ फाइटिंग रेसेस विच केम टू द कॉन्कर बट रिमेन टू लूज देम इन ए इंडियन रेशियल कॉलरोन. अब इस लाइन का ये मतलब है, ये जो भारत पे आक्रमण का सिलसिला था ना वो चलता आ रहा था, एक तरह का प्रोसेस था, एक जाएगा दूसरा आएगा, एक जाएगा दूसरा आएगा. तो प्री आर्यंस गया, प्री आर्यंस के बाद आता है यहाँ पे आर्यंस का एंट्री होता है. अब आर्यंस भारत में आता है, आर्यंस का आक्रमण होता है, इन्वेजन होता है और वो प्रोसेस को रिपीट करता है जो सिलसिला चलता आ रहा है, ये उसको बढ़ाता है आगे. रिपीटेड द प्रोसेस एंड लेड टू द फ्रेश इन्फ्यूजन ऑफ द ओल्ड विद द न्यू. जब ये आर्यन आते हैं तो पुराने जो कल्चर थी भारत में और ये जो नया नया अभी आया भारत पे आक्रमण करके भारत में घुसा है आर्यन, अब इसका कल्चर और उसका कल्चर दोनों आपस में क्या कर जाता है, इन्फ्यूजन कर जाता है, मेल मिलाप हो जाएगा. अब दो सोच, दो कल्चर आपस में मेल मिलेगा, ओल्ड न्यू का मिक्सचर बनेगा तो कुछ तो नया निकलेगा. तो इसी तरीके से धीरे 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 हमारे भारत में नई नई कल्चर बनी है. जाति प्रथा जो आप देखते हैं ना इन्हीं लोग की देन है. ऋग वेदा, साम वेदा, अथर वेदा, यजुर वेदा, पुराण, कुरान, सब तो यहीं से आया है भाई. तो ये सारी चीज़ें हैं. ओके, देखिए उसके बाद देखिए, दिस कंटिन्यूड विद द सक्सेसिव इन रोड्स ऑफ फाइटिंग. और जैसे जैसे इन लोग का इन्फ्यूज़न हुआ, नए नई चीज़ें बनी, तो वहाँ पर रेसेस, जात पात भी आ गया, तुम बड़ा हम छोटा, ये बड़े जात ये छोटे जात, ये सारी चीज़ें होने लगी. और इसी सभी चीज़ में बेचारे ये सभी देखो आर्यन जो आए थे भारत में क्या करने आए थे, राज करने आए थे, भारत में आक्रमण करके अपने तरीके से भारत को चलाने आए थे. लेकिन भारत में एक ऐसा गढ़ा बन चुका था, एक ऐसी खाई बन चुकी थी जात पात की, ऊंच नीच की एंड बहुत अदर कल्चर, उसी में आर्यंस आए भारत में कुछ और उम्मीद से, लेकिन बेचारे इस खाई में ये खो के रह गए. प्लान कुछ और था लेकिन इंडिया में आए, इंडिया में रेसेस देखा और रेशियल क्लॉड्रोन देखा, जात पात देखा, यही समय उलझ कर रह गए बेचारे. ओके, रेशियल क्लॉड्रोन क्या होता है ना, क्लॉड्रोन एक मट्टी का बर्तन पहले लोग यूज़ करते थे, तसला आपने देखा है घर में, बिहार में उसको तसला बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं आई डोंट नो, बट जिसमें क्या बोले यार, अच्छा एक बर्तन होता है इस तरीके से. ठीक है, तो नीचे में क्या होता है, खाई जैसा होता है, गढ़ा होता है ना. और आर्यंस लोग आए यहाँ से, मान लीजिए भारत में ये एंट्री मारा, ये भारत में घुसा, अब इस खाई में बेचारा उलझ के रह गया, जात पात, ऊंच नीच, रेसेल मतलब होता है ऊंच नीच, जात पात, रंग भेद, भेदभाव. तो इसी खाई में उलझ के रह गया बेचारा, करने कुछ और आया था उसी में उलझ के रह गया. समझ गए होंगे, प्री आर्यंस के बाद आर्यंस आया, उसके बाद कौन आया भारत पर आक्रमण करने, तो भारत जैसे लगता है ढोलक है जो आता था बजा के चल जाता था. उसके बाद आया ग्रीक, ग्रीक ने भारत पे आक्रमण करा लेकिन ये ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाया. होपफुली ये जो था बकलोल था, ज़्यादा दिन टिक नहीं पाया. तो ग्रीक ने भी भारत पे आक्रमण किया, ग्रीक वाला थोड़ा बहुत कल्चर भारत में मिक्स हो गया. ज़्यादा दिन तक तो ये ग्रीक रहेगा नहीं, उसके बाद ग्रीक के बाद कौन आता है, ग्रीक के बाद भारत पे शक का एंड हूंस का आक्रमण होता है. ये ईरान के रहने वाले थे तो ईरान ने भारत पे आक्रमण किया एंड इसके जैसे हंड्रेड और आक्रमणकारी भारत पे आक्रमण किए. तो देख रहे हो भाई कितना ज़्यादा आक्रमण हुआ है भारत पे, लिटरली भारत को ढोलक बना दिया है, डब डब बजा के चल दिया सब. ठीक है, और इसी तरीके से कुछ लोग भारत में आए, भारत में हार के मुंह उठा के वापस चले गए, कुछ लोग भारत में बस गए. अब जो लोग बसे हैं वो अपना एक नया सभ्यता बनाए, नया कल्चर बनाए, नई चीज़ें लाए भारत में
और धीरे धीरे हमारा कल्चर जो आज की डेट में हम लोग फॉलो करते हैं ना कहीं इन सभी का देन है। जात पास एससी एसटी ओबीसी वगैरह कहाँ से आया है भाई, ये इधर से तो ये आया है। ओके आगे देखते हैं, दे ऑल जितने भी आक्रमणकारी हुए हैं, 100 से ज़्यादा आक्रमणकारी हुए भारत पे, दे ऑल अपेयर्ड इन द सीन एज अ विक्टर, वो विजेता के रूप में आए थे, भारत में विक्ट्री हासिल करने आए थे, लेकिन बेचारे भारत में या तो हार के चले गए या फिर भारत में ही रह गए, वो भारत को जीत नहीं पाए। क्यों नहीं जीत पाए? क्योंकि भारत के लोग में एक चीज़ बहुत खास थी, यूनिटी। भारत में जो लोग रह गए थे, भारत में लोग रहने वाले थे, उनके अंदर यूनिटी आ चुकी थी। जब भी कुछ होता था एकजुट होकर उसका सामना करते थे, सबक सिखा देते थे जो बाहर से आता था। जैसे ग्रीक वाला आया था ना, ग्रीक वाला को थूर थार के भगा दिया, बोला जाओ जहाँ से आया मुंह उठा के वापस जाओ। उसी तरीके से जितना भी लोग आता था, तो यूनिटी धीरे धीरे भारत में पनप गई। और आज के डेट में हमारे इंडियन कल्चर का जो मेन फैक्टर है, एक्स फैक्टर बोल सकते हैं, वो है यूनिटी। हम लोग में यूनिटी है, कुछ भी होता है तो हम लोग यूनाइट हो जाते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल, जब कोरोना वायरस आया था तो नरेंद्र मोदी ने बोला था थाली बजाओ, पूरा भारत थाली बजाया था। यूनिटी इसको बोलते हैं। अगर भारत पे आक्रमण हो जाए, पूरा चाइना कूद जाए, तो क्या हम लोग हाथ पे हाथ बैठ के धरेंगे? नहीं, यूनिटी हमारे में है, पूरा भारत चाइना को उड़ा देगा। ये यूनिटी जो है ना, हमारे इंडियन कल्चर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, ऐसा कहा गया है हुमायूं कबीर के द्वारा, ठीक है। और उनके द्वारा देखिए, ये जितनी भी कहानियाँ हैं ना, हम नहीं कर रहे हैं, सारी शब्द, ये स्पीच है किनका, हुमायूं कबीर का। उन्होंने कहा है, आज जो इंडिया है ना, टुडे व्हाट एवर इंडिया इज, वेदर इट इज़ एन आइडिया, इंडिया एक आइडिया है, एक सोच है, इंडिया एक वर्ड है, इंडिया एक कला का प्रतीक है, या इंडिया एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, या फिर सोशल कस्टम है, इंडिया को जो भी कहो। फिर आगे बोलते हैं कबीर कि इंडिया जो है ना, ये सभी तो है ही, लेकिन इंडिया ये सभी का मिक्सचर है, इंडिया में सब चीज़ आपको मिल जाएगा। इंडिया एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि हम लोग संविधान से चल रहे हैं। इंडिया एक भारत, सेंसेशनल वर्ड है, ठीक है, भारत अपने आप में भारत माता की जय हम लोग करते हैं। आगे इंडिया एक आइडिया, एक सोच है, ये सोच इसकी नींव रखी थी किसने, आर्यंस वगैरह लोग ने, ठीक है। और इंडिया एक कला का प्रतीक है, तो ये सभी का मिक्सचर है इंडिया। ब्लेंड मतलब क्या होता है, मिक्सचर होता है, इज अ ब्लेंड ऑफ मेनी डिफरेंट स्ट्रेंस एंड एलिमेंट्स, ठीक है। भारत में बहुत प्रकार के स्ट्रेंस हैं, एलिमेंट्स हैं, उसका हमारा इंडिया क्या है, मिक्सचर है, और यही हमारे इंडियन कल्चर को दिखाता है। इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ डेरिवेशन फ्रॉम मेनी सोर्सेज एंड द कॉन्सिक्वेंस वैरायटी फॉर्म्स एंड टाइप्स, इंडिया में वैरायटी ऑफ लोग रहते हैं, बहुत तरह के फॉर्म्स में पाए जाते हैं, उसके बावजूद, इन स्पाइट ऑफ, इंडिया में एकता के कारण इंडिया के लोग में कभी नफरत की भावना नहीं आती है और एक साथ रहते हैं सभी लोग। वी फाइंड रिमार्केबल यूनिटी, देखो यूनिटी आ गया ना, हमारे अंदर यूनिटी है, एंड यूनिटी ऑफ स्पिरिट इनफॉर्मिंग इंडियंस कल्चर, इंडियन कल्चर्स का दर्शाता है यूनिटी ऑफ स्पिरिट, एंड थ्रू आउट द एजेस, सदियों से चलता आ रहा है, युगो युगो से, एजेस मतलब होता है युगो युगो से, ठीक है। ये सारा पनपा है, धीरे, एक दिन का ये नहीं बना इंडिया कल्चर, हमारा जो संस्कृति है वो एक दिन में नहीं बना है, बहुत युग लग गया बनने में इसको। In fact, it is the underlying unity which is one of the most remarkable features of Indian culture. मैंने बोला था ना, X factor है हमारा, most remarkable feature है Indian culture का, unity. अब आगे देखते हैं, In volume and duration, no civilization can wear comparison with the civilization of India. इंडियन के टक्कर में कोई है नहीं भाई, इंडिया से कोई कंपैरिजन नहीं कर सकता है कल्चर के मामले में। समहाउ थोड़ा बहुत चाइना वाले कर लेते हैं, क्योंकि चाइना में भी कल्चर है, लेकिन इंडिया का कल्चर पूरे विश्व में कोई टक्कर का नहीं है, कंपैरिजन ही नहीं है इंडिया का यहाँ पे, ठीक है। द एरिया ऑफ द लैंड एंड द नंबर ऑफ द पीपल एंड द वैरायटी ऑफ द रेसेस, देख लो हमारा जो एरिया ऑफ द लैंड है कितना बड़ा है। हमारा भारत पहले बहुत बड़ा था, अखंड भारत था, ये आज़ादी की पहले की बात, जितनी भी स्पीचेस दी है इन्होंने, आज़ादी की पहले की बात इन्होंने कर रही है, बहुत पुराने समय का इन्होंने बात उठाया है, ठीक है।
तो उन्होंने कहा है हमारा जो लैंड है, एरिया ऑफ द लैंड बहुत विशाल है, द नंबर ऑफ द पीपल यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, द वेराइटी ऑफ रेसेस हमारे यहाँ बहुत डिफरेंट टाइप के लोग रहते हैं, भोजपुरी भी बोलते हैं, इंग्लिश भी बोलते हैं, हिंदी भी बोलते हैं, मैथिली बोलते हैं, मराठी भी बोलते हैं, पंजाबी, कश्मीरी, बहुत तरह के डोगरों क्या तमिल, कन्नड़, बहुत तरह के इंडिया में लोग रहते हैं यार। तो इतना ज़्यादा होने के बावजूद हमारे अंदर यूनिटी है, हम लोग अलग नहीं हैं, हम लोग इंडियन हैं, भारत माता की जय हम लोग कहने वाले हैं, ठीक है। इन इंडियन हिस्ट्री हार्डली रिपीटेड एल्सवियर, और ये जो इंडिया का जो हिस्ट्री है शायद ही कहीं और ये रिपीट हो पाए पूरे दुनिया में, ठीक है। द वेटिलिटी ऑफ इंडियन कल्चर इज इक्वली अमेजिंग, हमारे जो इंडियन कल्चर का वेटिलिटी है वो इक्वली अमेजिंग है, ठीक है। वही इंस्पाइट ऑफ के बावजूद थाउजेंड ऑफ विसिसिट्यूड्स इट हैज सर्वाइव टू द मॉडर्न डेज, हमारी इतनी ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन, इतनी ज़्यादा विविधताएँ होने के बाद भी, इतनी ज़्यादा हमारे देश में लोग, तरह तरह के लोग हैं, रेसेस हैं, और ऊंची जात नीची जात ढेर तरह की हमारे फॉर्म्स टाइप्स हैं हमारे देश में, उनके बावजूद हमारा जो देश है ना मॉडर्न डे में सर्वाइव कर गया, अलग नहीं हुआ। दिस हैज़ बीन पॉसिबल ओनली ऑन अकाउंट ऑफ सेंस ऑफ इंडियनेस, जिसके अंदर भारत की भावना हो जाएगा ना कि हम भारतीय हैं, इंडियनेस हैं हम, भारतीयता भावना जिनके अंदर है वो कभी अलग होंगे ही नहीं। आज के डेट में सभी भारत के लोग बोलते हैं गर्व से हम इंडियन हैं, जय हिंद बोलते हैं, तो ये हमारे अंदर है, इसीलिए ऐसा पॉसिबल हो पाया कि हम लोग कभी अलग नहीं हुए, हम लोग के अंदर विसिसिट्यूड्स नहीं आया, डाइवर्सिफिकेशंस नहीं आया, और हम लोग के अंदर इतना ज़्यादा डाइवर्सिटी होने के बाद भी हम लोग एक साथ रहे, अखंड भारत रहा, और हम लोग अखंडता में विश्वास करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये लाइन काफ़ी देखिए, काफ़ी यहाँ पर इन्होंने फिर आगे कहा कबीर ने, वोव इनटू वन फैब्रिक ऑफ नेशनल लाइफ एंड मेनी स्ट्रैंड्स ऑफ डिफरेंट टेक्सचर कलर्स एंड इक्वालिटी ऑफ हैव इंटर्ड हेयर, तो यहाँ पर वो मतलब होता है बुनना। मम्मी दादी दीदी किसी को भी आपने ज़रूर देखा होगा कि वो स्वेटर को वोव करते हैं, बुनते हैं, तो वहाँ पे क्या करते हैं वो लोग, बुनते हैं। तो उसी तरीके से हमारे देश में जो लोग आए उन्होंने भी भारत में एक तरीके से उन्होंने एक भारत को वन फैब्रिक में, एक कपड़े में बोया है, और वो कपड़ा कभी अलग नहीं हो सकता है, और क्योंकि हमारे अंदर नेशनल लाइफ, नेशनल जो भावना है, नेशनलिज्म है, वो बहुत ज़्यादा हो गया है इंडियन कल्चर की वजह से। तो इंडियन कल्चर का कितना ज़्यादा रोल है हम लोग में आज आपको समझ में आ रहा होगा, और डिफरेंट टेक्सचर के बहुत सारे कपड़े होते हैं, कलर होते हैं, क्वालिटी ऑफ कलर होता है, उसी तरीके से हमारे इंडिया में डिफरेंट टेक्सचर के लोग हैं, कलर के लोग हैं, डिफरेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ लोग बिताते हैं, कोई SST में आता है, कोई जनरल में आता है, कोई OBC में आता है, कोई राजा है, कोई गरीब है, उसी तरीके से कपड़े का कंपैरिजन यहाँ पर हम लोग से किया गया है। और ये कौन कर रहे हैं अपने स्पीच में, ये बोल रहे हैं कबीर जी। अब देखिए, द एंटिक वर्ल्ड ट्री ऑफ फाइन फ्लावर्स ऑफ कल्चर इन मेनी लैंड्स विद द एग्जेम्पशंस ऑफ इंडिया एंड चाइना, देखिए हमारे भारत एंड चाइना के अलावा, हमारा भारत एंड चाइना का कल्चर तो महान है ही, लेकिन भारत के अलावा बाकी सभी देश, दुनिया तो बहुत बड़ा है ना यार, यूरोप हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया वगैरह सभी जगह, वहाँ पे क्या कल्चर नहीं हुई होगी, वहाँ पे भी कल्चर थी, वहाँ पे भी कल्चर थी, और उन्होंने भी पूरे दुनिया में अपने जलवे बिखेरे थे थ्री ऑफ फाइन फ्लावर्स, लेकिन समय के साथ उनका जो कल्चर था उन्होंने उसको भुला दिया। वेस्टर्न देखिए, जैसे कि यूरोप में बहुत सारे सभ्यताएं हुई, अफ्रीका में इजिप्टियन सिविलाइजेशन हुआ, यूरोप में ग्रीक सिविलाइजेशन, बहुत मेसोपोटामिया, ये सारी सिविलाइजेशन पूरे वर्ल्ड में हुआ, लेकिन वो लोग अपने कल्चर को छोड़ दिए, लेकिन भारत ने अपने कल्चर को कभी नहीं भूला, पुराने ज़माने से लेकर के आज 2022 में भी हम लोग का कल्चर बरकरार है। इसीलिए कहा जाता है ना कि भारत कल्चर के मामले में नंबर वन है, चाइना में भी कल्चर है, देखिए ये दोनों जगह कल्चर है, लेकिन चाइना में भारत से कम है, इसीलिए चाइना नंबर टू पे है और भारत नंबर वन पे है कल्चर के मामले में। दे ऑल आर डेड, ये सभी के सभी जो अदर कंट्रीज वाले हैं वो मर चुके हैं एंड जा चुके हैं, गोन, इट इज़ ओनली इंडिया, इंडिया में ये रह गया है, कल्चर इंडिया में है, सम एक्सटेंट इन चाइना, चाइना में कुछ कुछ है। एंड आगे वही लिखा गया है कि
ओल्ड सिविलाइजेशन है वो धीरे धीरे हम लोग में, हम ऐसा नहीं कि हम लोग पुराने जमाने के सोच के साथ जी रहे हैं, नहीं, हम लोग भी ग्रोथ हमने करा, लेकिन हमने अपने जो पूर्वज था, हमारा जो हेरिटेज था, हमारा जो विरासत था, हमने उनको कभी नहीं छोड़ा और हमने अपने कल्चर को कभी नहीं भूला। हमारा कल्चर कभी अल्टर्ड नहीं हुआ, हमारा कल्चर से कभी रुचि हटा नहीं है, चेंज भी नहीं हुआ, और यही हमारे कल्चर का खास बात है। और यूनिटी, फंडामेंटल यूनिटी हमारे में बरकरार रहा, और कोई भी कीमत पे हमने अपने कल्चर को, कोई भी एक्सपेंस पे हमने अपने कल्चर को दाव पे नहीं लगाया, ये हमारे कल्चर की बहुत खास बात रही है। दिस हैज़ बीन पॉसिबल ओनली थ्रू द कैपेसिटी ऑफ रीएडजस्टमेंट और एग्जिबिटेड बाय द इंडियन सोसाइटी। हमारे इंडियन का जो सोसाइटी है उनके जो रीएडजस्टमेंट करने की कैपेसिटी है, इसी की वजह से ये सभी जो चीज़ें हैं पॉसिबल हो पाया। अगर हमारे अंदर रीएडजस्टमेंट करने की कैपेसिटी नहीं होती तो हमारे अंदर भी बाकी सभी अदर कंट्रीज, फॉरेन कंट्रीज की तरह हमारा जो इंडियन कल्चर है वो भी ख़त्म हो जाता। लेकिन हमारे अंदर जो सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं उन्होंने काफ़ी अच्छे से संभाला है हमारे इंडियन कल्चर को और रीएडजस्ट किया है। कोई भी चीज़ें होती है, घटनाएँ होती हैं, उसको हैंडल कर लेते हैं, संभाल लेते हैं। देखिए क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं, आगे समझते हैं। ऑन द ग्राउंड ऑफ द दिस एडजस्टमेंट इज़ अ फाउंड इन द स्पिरिट ऑफ टॉलरेशन दैट हैज़ करेक्टराइज्ड इंडियन हिस्ट्री थ्रू आउट द एजेस लिव एंड लेट लाइफ हैज़ बीन द स्ट्रेटजी ऑफ द इंडियंस इन द ऑल स्फीयर्स ऑफ द लाइफ। देखिए टॉलरेंस मतलब यहाँ पर क्या होता है, टॉलरेंस मतलब आप कितनी सहन शक्ति आप में है, कितना सह सकते हैं। तो हमारे इंडियन के सोसाइटी के जो लोग थे उनके अंदर टॉलरेंस की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा थी। कोई भी चीज़ गलत होता था तो वो टॉलरेंस मतलब सह लेते थे, ठीक है। और साथ ही साथ ये टॉलरेंस युगों युगों सदियों तक चलते आया और ये हमारा एक मेन करेक्टर रहा है हमारे इंडियंस का, हमारे इंडियंस लोगों का, हमारे इंडियन के सोसाइटी में जो लोग रहते थे उनका एक फेमस स्ट्रेटजी था जो कहते थे लिव एंड लेट लाइफ, मतलब जियो एंड जीने दो, ना तुम किसी से नफरत करो ना ज़्यादा प्रेम, तुम भी जियो और दूसरों को भी जीने दो। तो ये इनका था, ठीक है, दूसरों को कभी हार्म नहीं करना है, बस यही फॉर्मूला है, स्ट्रेटजी है। और ये हमने अपने पूरे जीवन काल में स्फीयर ऑफ लाइफ युगों युगों से फॉलो होते आ रहा है और हम लोग पूरे लाइफ टाइम फॉलो करते हैं। एट अ टाइम्स दिस हैज़ बीन अप्रूव्ड सो फार डैट कॉन्ट्रेरी इफ नॉट अपोजिंग एटीट्यूड्स हैव बीन परमिटेड टू स्टे अलाइव करंटली टॉलरेशन हैड लेड टू द सफरेंस ऑफ इविल एंड इवन टू इंडिफरेंस ऑफ द वैल्यूज ऑफ लाइफ दिस हाउएवर इज एट द वर्स्ट ऑफ द डिफेक्ट ऑफ द वर्च्यू। अब देखिए ये लाइन जो कहना चाह रहा है उसको समझने के प्रयास करिएगा। अब यहाँ पर कॉन्ट्रेरी का मतलब होता है विरोध करना, अपोज करना, अपोजिंग। तो वहाँ पर बहुत तरह के एटीट्यूड वाले लोग थे और अपोज कर रहे थे इंडियन कल्चर को, इंडियन के जो टॉलरेंस, जो सोसाइटी थी जो ये सभी बना रही थी स्ट्रेटजी वाले लोग को, वहाँ पे लोग मतलब टॉलरेट कर रहे थे, वहाँ पे लोग क्या कर रहे थे, कॉन्ट्रेरी टाइप के मतलब विरोध कर रहे थे, अपोज कर रहे थे, अपना एटीट्यूड्स वगैरह दिखा रहे थे कुछ इस तरीके से कि ये सभी गलत है, ठीक है। लेकिन लेकिन हमारी जो सोसाइटी के लोग थे, इंडियंस थे, इन्होंने क्या करा ना, बोला ठीक है आप जो कर रहे हैं करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और साथ ही साथ यहाँ पर आगे भी देखिए, टॉलरेशन हैड लेड, इसके चलते सहन शक्ति, देखिए एक भी सहन शक्ति की एक सीमा होती है। तो भारतवासी ने, इंडियंस ने कहा टॉलरेशन के चलते हमने बहुत सारी परेशानियाँ भी झेली है, बहुत ज़्यादा हमने सफ़र्स किया है, सफ़र्स ऑफ एविल्स, लोगों का गुस्सा, लोगों का गाली वगैरह बहुत सुना है, लेकिन क्या करेंगे, हमको अपने इंडियन कल्चर से प्यार था इसलिए हमने टॉलरेशन पे अटे रहे, सहन शक्ति हमने बनाए रखी। और इवन जो हमारे दुश्मन थे या फिर जो हमारे अपोज कर रहे थे, कॉन्ट्रेरी थे हमारे, उनको भी हमने कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया, उन लोगों को भी हमने अपने घर में, अपने इंडिया में पनाह दिया, इंडिया में रहने का मौका दिया। दिस हाउएवर इज एट वर्स्ट डिफेक्ट ऑफ द वर्च्यू, वर्च्यू मतलब देख लीजिए, और यहाँ पर देखिए सच टॉलरेशन इज परहैप्स प्रिफरेबल टू द फैनेटिक डिवोशंस विच लीड टू द डिनाइल एंड परसिक्यूशन ऑफ ऑल अदर वैल्यूज बट स्टोन। यहाँ पर वर्ड मीनिंग समझिए, फैंटिक मतलब क्या होता है, कट्टर होता है,
और डिवोर्सर मतलब तो जानते होंगे कट्टर सपोर्टर, या बोल सकते हो फैंटिक डिवोर्सर मतलब कट्टर धार्मिक आर्मी। ओके तो एंड यहाँ पर परसिक्यूशन मतलब होता है अत्याचार। ओके तो यहाँ पर देखिए कहने का सीधा सा मतलब है। एंड कबीर ने ये भी कहा हमारा भारत देश जो है औरों की तरह नहीं है, कट्टर डिवोशन हमारे अंदर नहीं है, फैनेटिक डिवोशन मतलब कट्टर धार्मिक सपोर्टर। जैसे कि पाकिस्तान में देख लो मुस्लिम मुस्लिम 99% लोग मुस्लिम हैं, तो उस तरीके का हमारा भारत देश नहीं है। हमारे भारत देश में सब लोग रहते हैं और एक साथ रहते हैं और अच्छे से रहते हैं, और ना ही हमारे भारत में परसिक्यूशन है, लोगों पर अत्याचार नहीं होते हैं, चीज़ें नहीं होती है। हम लोग एक साथ रहने में विश्वास करते हैं, कोई एक चीज़ पे हम लोग फैनेटिक डिवोट नहीं हो जाते हैं, कट्टर सपोर्ट नहीं करने लग जाते हैं। तो ये सभी जो चीज़ें हैं किनका कहना था कबीर जी अपने स्पीच में कह रहे थे। आगे देखिए थ्रू आउट द चेंजेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री बी देयर फॉर फाइंड अ स्पिरिट ऑफ अंडरलाइंग यूनिटी। हमारा समय समय पे इंडियन का जो हिस्ट्री है चेंज होते गया, हम लोग ग्रोथ करते गए, डेवलप होते गए, लेकिन हमारे अंदर जो यूनिटी था वो कभी नहीं बदला, ठीक है, कभी चेंज नहीं हुआ। एंड विच इन्फॉर्म्स दैट अ डाइवर्स एक्सप्रेशन ऑफ इट्स लाइफ, और जो कि हम लोग को इन्फॉर्म करता है, बताता है कि हम लोग कितना डाइवर्स एक्सप्रेशंस ऑफ लाइफ शो कर रहे हैं, इसके बावजूद भी हम लोग अलग नहीं हो रहे हैं। बट द यूनिटी वॉज नेवर ए डेड यूनिफॉर्मिटी, हमारा जो यूनिटी है कभी मरा नहीं, ठीक है। अब देखिए देन आगे कहा जाता है कल्चर के बारे में बताया जाता है। इतना जो बताया ना इन्होंने, ये हिस्ट्री बताया हमारे पूर्वज कैसे थे, हमारा हेरिटेज विरासत कैसे था। अब इन्होंने कल्चर को डिफिनेशन देना चाहा है, अपने कबीर ने अपने शब्दों में कुछ कहा है कल्चर के बारे में, देखिए क्या कहा इन्होंने। नाउ कल्चर इज एन आइडिया विच कैन नॉट बी जस्ट और यूनिटरली डिफाइंड। कल्चर एक आइडिया है, एक सोच है, जिसको आप एक शब्द में यूनिटरली डिफाइंड नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट बी डिफाइंड। ओके एंड देर इज नो सिंगल करेक्टर और मार्क, कोई एक ऐसी पॉइंट ही नहीं है, कोई ऐसा एक बिंदु नहीं है जिसके वजह से आप इस बड़े शब्द को इंडियन कल्चर को आप डिफाइन कर दें। विच कैन बी रिगार्डेड एज द कोर एंड द करेक्टरिस्टिक ऑफ एट्रीब्यूट ऑफ कल्चर, ऐसा सिंगल करेक्टर को बताओ जो कि हमारे जो कल्चर है उसका एक करेक्टरिस्टिक बताता हो, ओके जिससे पता तो चले कि हाँ हमारा ये कल्चर के बारे में बात हो रहा है, कोई एक ऐसा सिंगल करेक्टर तुम बता दो या मार्क। उसके बाद इट इज़ ऑलवेज ए कॉम्प्लेक्स ऑफ मेनी स्टैंडर्ड्स ऑफ चेंजेबल सिग्निफिकेंस एंड वैटिलिटी। ये जो हमारा इंडियन कल्चर है दिन पे दिन बदलते आ रहा है, क्योंकि हम लोग धीरे धीरे ग्रोथ होते जा रहे हैं, थोड़े बहुत बदलाव आते जा रहे हैं, तो ये फिक्स नहीं है, हमारा जो कल्चर है ना वो बदल रहा है। इट ऑलवेज ए कॉम्प्लेक्स ऑफ मेनी स्ट्रैंड्स, कॉम्प्लेक्स चीज़ है कल्चर और चेंजेबल है, ओके एंड इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है एंड विटैलिटी है। इफ़ वी अटेम्प्ट टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन कल्चर एंड सिविलाइजेशन, अगर हम कल्चर एंड सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन मतलब होता है सभ्यता, कल्चर मतलब होता है संस्कृति, संस्कृति सभ्यता में अगर हम डिफरेंस करना चाहें, अंतर करना चाहें, तो कैसे कर सकते हैं? तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, वी माइट से डैट सिविलाइजेशन इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ विच मेक सिविल सोसाइटी पॉसिबल। सिविलाइजेशन जो है एक तरीके का ऑर्गेनाइजेशन है, लोगों का समूह है, ऑर्गेनाइज पीपल्स का समूह है जो कि एक सोसाइटी बनाता है, ओके समझ गए। सिविलाइजेशन का डिफिनीशन ये वाले लिख सकते हो, सिविलाइजेशन इज द ऑर्गेनाइजेशन, हमारा जो सभ्यता है एक ऑर्गेनाइजेशन है लोगों का, ढेर सारे लोग मिल करके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, एक सोसाइटी समाज बनाते हैं, और उसी समाज से समाज के जो लोग होते हैं वही फिर आगे चल के कल्चर का निर्माण करते हैं। जैसे कि हमारे देश में सबसे पहले आया वो कौन आया था, इंडस वैली वाला, उसके बाद आर्यंस आए, तो ये लोग आए ना, उनके आने के बाद ही तो कल्चर बना, तो पहले सिविलाइजेशन आता है उसके बाद कल्चर आता है। उसके बाद वही आगे लिखा है, ऑन द अदर हैंड कल्चर इज द सेकेंडरी ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन, उस सिविलाइजेशन का ही पार्ट होता है हमारा कल्चर, सेकेंडरी ऑफ सर्च ऑर्गेनाइजेशन, सेकेंडरी पार्ट होता है उस ऑर्गेनाइजेशन, उस सिविलाइजेशन का। एंड ये कल्चर जो है अपने आप को एक्सप्रेस करता है इट सेल्फ थ्रू एंड अ लैंग्वेज। हमारे देश में किस तरीके की लैंग्वेज है, बहुत तरह की, 22 लैंग्वेजेस है, वो भी क्या बताता है कल्चर के बारे में, बताता है कि हमारे इंडिया में कल्चर महान है, हमारे अंदर आर्ट, हमारे इंडिया में बहुत तरह के आर्ट्स बनाई जाती है, ठीक है, मिथिला पेंटिंग ये सारी, तो आर्ट्स के बेसिस पे भी
एंड थ्रू एटीट्यूड एंड रिलीजन्स में वहाँ हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है एंड कॉन्फ्लिक्ट्स थ्रू कॉमनल हैबिट्स एंड ट्रेडिशन. हमारे ट्रेडिशन, कॉमनल हैबिट्स, आर्ट, लैंग्वेज, ठीक है, ये सभी के बेसिस पे एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे ये सभी हम लोग अपने कल्चर के बारे में बता सकते हैं. और कल्चर जो होता है हमारे सिविलाइजेशन यानी ऑर्गेनाइजेशन का ही पार्ट होता है, ध्यान में रखिएगा. ओके, नन ऑफ देम सेपरेटली ए सिविलाइजेशन. और इनमें से कोई एक उठा लो, उससे क्या पूरा देश चल सकेगा? बोलेंगे नहीं चलेगा. सबका होना जरूरी है देश में, ठीक है. वही लिखा गया है सेपरेटली सिविलाइजेशन, इसमें से जो कोई है, एक जो नहीं है जो सेपरेटली सिविलाइजेशन को बना सकता है. लाइनें यहाँ पर है, कल्चर इज द इफ्लोरेसेंस ऑफ सिविलाइजेशन. तो कल्चर जो है सिविलाइजेशन से ही आता है, ये बताया गया है, ठीक है. अब आगे समझते हैं. सिविलाइजेशन इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सोसाइटी विच क्रिएट्स द कंडीशन ऑफ द कल्चर. वही वाली बात है ना, सिविलाइजेशन से ही कल्चर, सिविलाइजेशन की जो सोसाइटी होती है वहीं से कल्चर का क्रिएशन होता है, क्रिएट होता है, बनता है. और देयर कैन हेंस वी नो कल्चर विदाउट सिविलाइजेशन. तो बिना सिविलाइजेशन के कल्चर हो जाएगा क्या? सिविलाइजेशन ही नहीं रहेगा ना, उसमें लोग रहेंगे तो कल्चर बनाएगा कौन? बिना सिविलाइजेशन के कल्चर हो ही नहीं सकता है, वही वाली बात है. लेकिन सिविलाइजेशन बिना कल्चर का हो सकता है. अब शौक पे डिपेंड है, किन्हीं को कल्चर में रहना पसंद होता है, किसी को कल्चर में रहना पसंद नहीं होता. जैसे कि इंडिया कल्चर पसंद करता है, इंडिया अपने संस्कृति से प्यार है, और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज जितने भी है यूरोप वाले, उनको कल्चर से मतलब नहीं है. उनके यहाँ सिविलाइजेशन तो है लेकिन कल्चर नहीं है. तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, सिविलाइजेशन कल्चर के बिना हो सकता है, लेकिन कल्चर जो है सिविलाइजेशन के बिना नहीं हो सकता है, वही वाली बात यहाँ पर लिखी गई है. प्रीहैप्स व्हाट इज़ द मोर ऑफन द केस इज दैट देयर आर सिविलाइज्ड पीपल अमॉन्ग हुम ओनली अ स्मॉल सेक्शन हैज अचीव्ड द कल्चर. अ स्मॉल सेक्शन अचीव्ड द कल्चर मतलब क्या मतलब है? दुनिया में तो बहुत ज़्यादा लोग हैं लेकिन वहाँ पर सिर्फ कुछ ही सेक्शंस के लोग, जैसे कि इंडिया हो गया, चाइना हो गया, या इंडिया में भी कुछ ही सेक्शंस के लोग कल्चर में विश्वास रखते हैं, अचीव कर पाते हैं, जो कि अपने आप पे बहुत बड़ी बात होती है. देयर इज़ द सिविलाइज्ड पीपल, पूरे दुनिया में सिविलाइज्ड पीपल की कोई कमी नहीं है. यूरोप वाले लोग सिविलाइज्ड हैं, अमेरिका वाले लोग सिविलाइज्ड हैं, ऑस्ट्रेलिया वाले लोग सिविलाइज्ड हैं, लेकिन क्या उनके अंदर कल्चर है? नहीं है. बहुत ही कम लोग हैं, स्मॉल सेक्शंस वाले लोग हैं जिनके अंदर सिविलाइजेशन के साथ साथ कल्चर भी है, उन्होंने अचीव करा है. एंड वी हैव देयरफॉर हैड एंड स्टिल हैव अ रेसेस एंड द नेशन दैट आर सिविलाइज्ड बट एक्सेप्ट फॉर इंडिया. इंडिया को छोड़ करके सभी सिविलाइज्ड हैं लेकिन कल्चर नहीं है, वही वाली बात कही गई है. वी हैव नॉट एट हैड एनी नेशन और रेसेस डैट कुड बी रिगार्डेड एज द कल्चर इन. और इसके अलावा कोई और ऐसा नेशन है ही नहीं, रेस है ही नहीं, डैट कुड बी रिगार्डेड एज द कल्चर्ड. कल्चर्ड है एंड इन ऑल सेक्शन एंड क्लासेस फॉर हेयर इन इंडिया. इंडिया के जैसा कहीं पे भी नहीं है, ठीक है, ये वाली बात लिखी गई है. और इंडिया कल्चर इज ऑलमोस्ट एज एक्सटेंसिव एज सिविलाइजेशन इटसेल्फ. इंडिया का जो कल्चर है ना सिविलाइजेशन को टक्कर देता है. जितना बड़ा सिविलाइजेशन उतना ही बड़ा एक्सटेंसिव हमारा कल्चर भी है. तो हमारा कल्चर बहुत बड़ा है यार, इसको कभी कोई तोड़ नहीं सकता है. ठीक है, देयर इज द डिफरेंस इन क्वालिटी बिटवीन द मासेस एंड द क्लासेस इज एट द टाइम सो द ग्रेट दैट इट हैज सेकन ऑफ अ फेथ ऑफ द मोस्ट फेवरेंट डेमोक्रेट्स. अब देखो, इंडिया में जब कोई आता है घूमने के लिए, इंडिया में जब कोई टूरिस्ट आता है घूमने के लिए, तो उन्हें ऑब्जर्व करता है कि इंडिया में ना डिफरेंस मासेस मतलब जनसंख्या, क्लासेस मतलब बड़े बड़े लोग जो अच्छे होते हैं, उनके अंदर ऐसा देखा गया छोटे लोग भी कल्चर में विश्वास करते हैं, बड़े लोग भी कल्चर को फॉलो करते हैं. तो कल्चर के बेसिस पे मासेस एंड क्लासेस में डिफरेंस नहीं है, ऐसा टूरिस्ट जो आते हैं इंडिया में घूमने उन्होंने ऑब्जर्व किया है. लेकिन टूरिस्ट ने ये भी ऑब्जर्व किया है इंडिया में डिफरेंस है किसके बेसिस पे, तो अपॉर्चुनिटी के बेसिस पे इंडिया में डिफरेंस है. ठीक है, इंडिया में बहुत सारे लोग एम्प्लॉयड हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, तो अपॉर्चुनिटी बहुत सारी को मिलती है, बहुत सारे को नहीं मिलती है. ठीक है, इन्फॉर्मेशन एंड अपॉर्चुनिटी के तौर पे इंडिया में डिफरेंस हो सकता है, लेकिन इंडिया में कभी भी कल्चर के बेसिस पे डिफरेंस नहीं होगा.
अंबानी के भी भगवान श्री गणेश हैं और एक भिखारी के भी भगवान श्री गणेश है, तो कैसे डिफरेंस है? तो यही हमारी खासियत है कि हमारे इंडियन कल्चर में डिफरेंस नहीं है, लेकिन अदर कंट्रीज़ में इसका बिल्कुल उलट है। यूरोप में ऐसा नहीं है, यूरोप में कल्चर के बेसिस पे बहुत डिफरेंसेस हैं, समझ रहे हो? इज़ ऑफन अदरवाइज इन यूरोप देयर इज़ अ डिफरेंस इन क्वालिटी, ठीक है, क्वालिटी बिटवीन द मासेस एंड क्लासेस। तो वहाँ पे मासेस एंड क्लासेस में कल्चर के बेसिस पे डिफरेंस पाई जाती है। सो ग्रेट डैट इट हैज़ टेकन द फेथ ऑफ द मोस्ट फेवरेंट ऑफ द डेमोक्रेट्स। और इतना ही नहीं, इसके कारण वहाँ के जो डेमोक्रेट्स होते हैं, जो फेवरेंट होते हैं, वो क्या करते हैं ना, कभी कभी ये सारी सिचुएशन को देख करके, वहाँ पे कल्चर को ना होना और वहाँ की लाइफ क्वालिटी देख करके, वहाँ के सरकार चल रही होती है, उन्हीं के कुछ डेमोक्रेट्स अपने सरकार को गलियाने लग जाते हैं, ठीक है। फेथ ऑफ द मोस्ट फॉरवेंट ऑफ द डेमोक्रेट्स अपनी ही सरकार को गलियाने लगता है। मार्केवल ऑकरेंस कैन बी एक्सप्लेन्ड वाई ओनली इन द टर्म्स ऑफ यूनियंस एंड द परमिनियंस ऑफ इंडियन कल्चर, ठीक है। हम लोग जो अपना रिमार्केबल अकरेंस है वो किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं अपनी इंडियन कल्चर को, इन ओनली इन द टर्म्स ऑफ यूनियन, ठीक है, हमारा भारत एक यूनियन है, एंड परमिनियंस ऑफ इंडियन कल्चर। आगे में लिखा गया है यूनिटी, यूनिटी इज द इन वन सेंस द कॉमन करेक्टर, सारे कल्चर जितने भी दुनिया में कल्चर है उनका एक कॉमन करेक्टर होता है यूनिटी, सभी में यूनिटी पाई जाती है, इसीलिए यूनिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनिटी इज द वन सेंस द कॉमन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल कल्चर, व्हाट स्पेशली डिस्टिंग्विश द कल्चर ऑफ इंडिया अनब्रोकन एंड कंटिन्यूटी। इसी कारण हमारे इंडिया में जो ये यूनियन का भावना है, यूनिटी है, उसी के कारण हमारा जो कल्चर है, इंडियन कल्चर, वो कभी टूटा नहीं, अनब्रोकन है सदियों सदियों से। एंड साथ ही साथ हम लोग का जो अपना इंडियन कल्चर है, संस्कृति है, वो कंटिन्यूटी बरकरार है, कभी रुका नहीं है, ठीक है, सेचुरेशन इसका पॉइंट नहीं आया, कंटिन्यू है। इसी कारण हमारा ये जो है ना अपना कल्चर बरकरार है दुनिया में, इंडिया में खास करके, हैव बीन नो वायलेंट सडन ब्रेक्स। और इसमें हमारे इंडियन कल्चर में ना ही कोई वायलेंट और ना ही कोई ब्रेक्स आया है कि हमारा इंडियन कल्चर ख़राब हो जाए या टूट जाए, ठीक है, हमारा इंडियन कल्चर कंटिन्यूटी बरकरार रखा है, ब्रेक्स नहीं लगा कभी, और ना ही कोई ज़्यादा लोग खुल के बहुत बड़ा विरोध किए हैं, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे, और एएसटीडी ग्रोथ, और धीरे धीरे हमारा जो है ग्रो हो रहा है कल्चर, और जितना बड़ा विशाल कल्चर होगा उसको तोड़ना उतना ही मुश्किल होगा, आप लोग भी समझते होंगे, जितना बड़ा घर होगा उतना तोड़ना मुश्किल होगा, जितना मजबूत घर होगा उतना तोड़ना मुश्किल होगा। तो हमारा जो इंडियन कल्चर वो मजबूती के साथ साथ पकड़ बनाई हुई है, ग्रोथ भी कर रहा है और एक्सपेंशन भी कर रहा है, धीरे धीरे बढ़ भी रहा है, तो इसको ना तोड़ना या फिर इसको ख़त्म करना इम्पॉसिबल हो जाएगा आज के डेट में। दिस हैज ग्रेजुअली परमिएटेड एवरी क्लास एंड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, ओके, एंड यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, ठीक है, इसका कंक्लूजन आप लोग देख लीजिएगा, वही कंक्लूजन है कि हमारा जो इंडिया का जो इंडियन कल्चर है, हमारी संस्कृति है, उसमें यूनिटी एंड कंटिन्यूटी है, उसी के कारण हमारा इंडियन कल्चर जो है रिमार्केबल बन पाया और इंडियन कल्चर रह पाया मॉडर्न टाइम में भी, क्योंकि बाकी अदर कंट्रीज में सभी विलुप्त हो गया, ख़त्म हो गया, लेकिन इंडिया वाला कल्चर अभी भी है और हम लोग फॉलो भी करते हैं। एंड देर हैव बीन नो वायलेंट सडन ब्रेक्स, और ऐसा कोई वायलेंट हुआ नहीं, वायलेंस हुआ नहीं हमारे कल्चर के खिलाफ, ठीक है, तोड़फोड़ कोई मारधाड़ हुआ नहीं, सडन ब्रेक्स भी नहीं आया, हमारा जो इंडियन कल्चर वो कंटिन्यू है, कंटिन्यूटी बरकरार रहा। देयर हैज़ बीन ऑलवेज ए स्टडी ग्रोथ एंड एक्सटेंशन, वही वाली बात जो अभी बोली ना, एक्सटेंशन स्टडी ग्रोथ, यही वाली बात नीचे में लिखा गया है कंक्लूजन में, तो आप भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसी के कारण हमारा इंडियन कल्चर सर्वाइव कर गया आज के डेट में, और बाकी का कल्चर जो है चला गया, रेस्ट इन पीस हो गया, और इंडिया वाला रह गया। और ये सारी कहानियाँ अपने स्पीच में कबीर ने दी थी और वही हम लोग पढ़ रहे थे। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, हमारा चैनल है, नया चैनल है, आप लोग सब्सक्राइब करना चाहें तो कर दें, अगर वीडियो ख़राब लगी हो तो डिसलाइक भी कर सकते हो, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।